आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती को मनाने के भागरूप शहर के रावपुरा स्थित आए हुए खादी ग्राम उद्योग केंद्र पर विशेष छूट के साथ खरीदारी का माहौल बना था। गांधी जयंती को मनाने के भागरूप महात्मा गांधी जी सिर्फ खादी के ही वस्त्र धारण करते थे, जहां आज उनकी गांधी जयंती को मनाने के भागरूप वडोदरा के रावपुरा स्थित आए हुए खादी ग्राम उद्योग केंद्र पर खादी के वस्त्रों पर विशेष डिस्काउंट यानी कि छूट के साथ खरीदारी का माहौल का आज प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक खादी उद्योग केंद्र पर विशेष डिस्काउंट का आयोजन किया है। कारीगरों को रोजगारी मिल पा सके वैसे आह्वान के चलते आज गांधी जयंती पर खादी ग्राम उद्योग केंद्र के बिक्री केंद्र पर खादी की चीज वस्तु से लेकर कपड़ों की खरीदारी पर आज विशेष शुभारंभ किया गया। वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक, मेयर सहित काउंसलर और भारी तादाद में कार्यकर्ताओं द्वारा कोठी चौराहे स्थित आए हुए खादी ग्राम उद्योग पर खरीदारी का माहौल देखने को मिला था, जहां हर एक राजकीय नेताओं ने खादी के वस्त्रों की खरीदारी करते हुए भारी लोक टोली भी देखने को मिली थी। गांधी जयंती छे अने आजना दिवस थी लोको खादी खरीदवा माटे आवता होय छे। पूज्य बापूए पोते खादी पहेरी अने भारत देशना लोको पण खादी पहेरे एवं हमेशा बापूनो आग्रह हतो, परंतु देशना वडाप्रधान आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदीजी ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ ખાદીને પ્રોત્સાહન મળે અને ખાદી વધારે ખરીદાય એ રીતનું હંમેશા આયોજન કરીને આપણા ગુજરાતીઓને એક આહ્વાન કરતા હતા। હવે વડાપ્રધાન બન્યા પછી દેશવાસીઓ પોતે પણ ખાદી ખરીદે એ રીતનું એક આહ્વાન કરે છે, અને એટલા માટે ખાદીમાં પણ અનેક અવનવી ડિઝાઇનો સાથે લોકોને ગમતી ડિઝાઇન આર્ટિઝન કારીગરો બનાવે એવું ખાદી તરફથી એમને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે, અને એટલે લોકો પણ હવે પોતાને ગમતી ડિઝાઇનવાળી સાડી હોય, કુર્તા હોય કે પછી કાપડ હોય, અનેક ઘરની વસ્તુ હોય, પગલૂછણિયા કેમ ના હોય, આવી દરેક વસ્તુ ખાદી ગ્રામોદ્યોગમાં અવનવી ડિઝાઇનો સાથે અને એમાં પણ કિંમતમાં પણ ખૂબ ઓછા ભાવે હોય છે, તો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો ખરીદે છે।